अमेरिका में 10 दिनों में दूसरी बार बड़ा तूफान आने वाला है। फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। नेशनल हरिकेन सेंटर ने इसे सबसे ज्यादा विनाशकारी तूफानों की कैटेगरी 5 में रखा है। इस कैटेगरी में जान माल के भारी नुकसान का खतरा रहता है। मिल्टन बुधवार को फ्लोरिडा के घनी आबादी वाले इलाके टैंपा बे से टकरा सकता है और अभी ये टैंपा से 1000 किलोमीटर दूर है। टैंपा की आबादी 30 लाख से ज्यादा है। तूफान के टैंपा बे तक पहुंचने पर इसके कमजोर पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। इसके बाद ये मध्य फ्लोरिडा से अटलांटिक महासागर की तरफ बढ़ जाएगा। मिल्टन तूफान फिलहाल मेक्सिको की खाड़ी से गुजर रहा है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात को तूफान की गति करीब 285 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये फ्लोरिडा राज्य की तरफ बढ़ रहा है। तूफान के कारण फ्लोरिडा की 67 में से 51 काउंटियों में इमरजेंसी अलर्ट भी जारी किया है।